भारतीय कप्तान विराट कोहली का कहना है कि वह तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के फिट होकर लौटने से बेहद खुश हैं, लेकिन अंतिम एकादश का चयन पिच की स्थिति को देखकर ही किया जाएगा। विराट ने इंग्लैंड के खिलाफ शनिवार से यहां होने वाले तीसरे टेस्ट की पूर्व संध्या पर संवाददाता सम्मेलन में कहा, बुमराह पूरी तरह फिट हैं, जो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं उन्हें वापस देकर रोमांचित हूं। वह एक आक्रामक गेंदबाज हैं, जो हमेशा बल्लेबाज को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। उनकी वापसी से टीम के लिए नई उम्मीद जगी है। कप्तान के संकेत से ये तो तय माना जा रहा है कि बुमराह कल मैच में अंतिम एकादश में होंगे। हालांकि विराट ने गेंदबाजी संयोजन का पूरी तरह खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा, गेंदबाजी संयोजन पिच पर निर्भर करेगा। यदि पिच से गेंदबाजों को मदद मिलेगी तो हम एक अतिरिक्त बल्लेबाज खेलने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन यदि 50-50 मामला रहता है तो हमें उन गेंदबाजों को देखना होगा जो मैच में 20 विकेट निकाल सकें। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि पिच से गेंदबाजों को कितनी मदद मिलती है। भारत सीरीज के पहले दो टेस्ट 31 रन और पारी तथा 159 रन से गंवा कर 0-2 से पिछड़ा हुआ है और 5 मैचों की सीरीज में मुकाबले में बने रहने के लिए उसे ये मैच हर हाल में जीतना है। विराट ने साफ तौर पर कहा कि टीम का एकमात्र लक्ष्य इस मैच को जीतना है और टीम इसके सिवा किसी और बात पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा, अब हम ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां हमारे पास मैच जीतने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। हमारी प्राथमिकता टेस्ट मैच जीतना है और हम ये नहीं सोच रहे कि किसका करियर दांव पर लगा है या नहीं। हमने सबको स्पष्ट कह दिया है कि ये मैच जीतना है। कप्तान ने कहा, हमें एक टीम स्कोर बनाना है जिसमें हर खिलाड़ी को अपना योगदान देना है। योगदान चाहे 40 रन का हो या शतक का, सबको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है। अब ये खिलाड़ियों पर निर्भर करता है कि वे आगे आएं और अपनी जिम्मेदारी उठाएं। विराट ने साथ ही कहा कि अब तक जिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उन्हें इस मैच में जगह मिलेगी और वे एकादश में उतरेंगे। अपनी फिटनेस के लिए विराट ने कहा, मैं पूरी तरह फिट हूं और मैच के लिए तैयार हूं। 2011 में भी मेरे साथ ऐसी समस्या हुई थी, लेकिन सही ध्यान रखने, कुछ आराम और रिहैब से अब चीजें ठीक हैं। सेट न्यूज़ की रिपोर्ट।